हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत लोग, जो बहुत, अगर हम बात करें, मेरे सब्सक्राइबर्स थे, वो लोग बार बार मेरे से कह रहे थे और मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप एक ऐसा स्टॉक लेकर आइए जिस पे हम एक इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हम हर महीने उस पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करें तो वो एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम पे दे पाए। हम आपसे चाहते हैं कि आपकी वो हमें यही कह रहे थे कि टेक्निकल स्ट्रांग होने के साथ साथ अगर आप थोड़ी बहुत फंडामेंटल भी बताइए तो उसके साथ मेल खा के हम एक पर्टिकुलर स्टॉक चुनना चाहते हैं। क्योंकि गाइज, आप लोग देखते होंगे कि किन थोड़े बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो शुरुआत में मार्केट में आते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो 10,000 रुपये लेकर आते हैं, 20,000 रुपये लेकर आते हैं और वो इंट्राडे काम नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। पर जब वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो वो बोलते हैं गाइज कि गाइज हमने 5 से 6 स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिए पर हमारे पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, हम कोई स्टॉक इतने शेयर खरीद नहीं सकते एक एक कंपनी के। तो उसकी वजह से वो स्टॉक अगर 10 रुपये या 20 रुपये भी ऊपर भाग जाता है सर तो हमें फायदा नहीं होता इतना। तो इसीलिए आपके सब लोगों के कहने पे मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ कि अगर आप सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं हर महीने तो गाइस आप ये पर्टिकुलर स्टॉक पे जरूर लगा सकते हैं। मैं फंडामेंटल के साथ साथ कंपनी में क्या चल रहा है वो सारा कुछ बताऊंगा, प्लस आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स या चार्ट पे लेकर जाके बताऊंगा। और गाइस गारंटीड 175% का रिटर्न हमें चार्ट शो कर रहा है और वो मैं आपको चार्ट्स पे लेकर जाके दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस डिस्क्लेमर आप पढ़ चुके हैं, कोई भी हमारी रिकमेंडेशन बाय या सेल की नहीं है, हम सिर्फ आप लोगों के लिए कहने पे ही ये वीडियो लेकर आए हैं। सो ये वीडियो आपको पूरी एंड तक पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और गाइस हमारे साथ जुड़ रहिएगा। सो हम स्टॉक की कौन सी बात करने वाले हैं, वो पहला स्टॉक है गाइस अरविंद लिमिटेड। हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो अरविंद लिमिटेड की करने वाले हैं। तो आप सब ज्यादातर अरविंद के बारे में जानते होंगे, ये इसका जो सेक्टर है ये टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम करती है और इसका मेनली जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ही है। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे, और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आई थी, ये अरविंद थी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आई थी कि जो इसके गारमेंटिंग फैसिलिटीज हैं, जो भी गारमेंट्स के फैसिलिटीज थे उसको वर्ल्ड स्केल में लेकर जाए, और उसके जो ऑफर करा उसने, जो हमारी पब्लिक को ऑफर करा वो करा कि वन स्टॉप शॉप सर्विस को ऑफर करेंगे। देखिए वर्ल्ड स्केल पे लेकर जाएगी और वन स्टॉप शॉप सर्विस ऑफर करेगी ये कंपनी। पूरी गारमेंट के मैन्युफैक्चर करती है, एक तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डाइवर्सिफाई बिजनेस है इसका, हर जगह के इसके बिजनेस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अपनी अगली स्लाइड पे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम आज के टाइम की बात करें सिर्फ, तो आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि अरविंद ने अभी तक, आज की डेट तक, जितना भी फैब्रिक बनाया है वो गाइस पूरा का पूरा फैब्रिक अगर हम अर्थ पे रोल करते हैं तो 6 टाइम तक वो अर्थ को कवर कर सकता है, इतना फैब्रिक अभी तक अरविंद बना चुकी है। अगर हम बात करते हैं गाइस तो हर सेकेंड इंडिया में दो, इंडिया में आप देख सकते हैं हर सेकेंड 2 पीसेस तो अरविंद के सोल्ड होते ही होते हैं, जो भी वो अपेरल्स बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस कि अरविंद खुद ओन करता है 22 ग्लोबल पेटेंट्स, किसके लिए, इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन के लिए। सो ये एक अरविंद के लिए बहुत अच्छी बात है और इसको इसकी वजह से बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गाइस लार्जेस्ट फायर प्रोटेक्शन फैब्रिक प्रोड्यूसर है ये कंट्री की, तो बहुत बड़ी कंपनी है ये गाइस। और इसका प्राइस अभी थोड़ा लो चल रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। इसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स की भी जरूर बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं ये अरविंद के जो कपड़े होते हैं जो ये मैन्युफैक्चर करती है अपनी फैब्रिक, वो फैब्रिक कहाँ कहाँ तक जाती है, कौन से शोरूम पे जाती है, तो बात कर सकते हैं ली पे जाती है गाइस, रैंगलर पे जाती है, टॉमी हिलफिगर और एरो तक जाती है। और अगर हम डोमेस्टिक ब्रांड्स की बात करते हैं तो उसमें फ्लाइंग मशीन तक आ जाता है, न्यूपोर्ट आ जाता है, एक्सकैलिबर आ जाता है, रफ एंड टफ तक भी इसके फैब्रिक्स हैं, वहां तक जाते हैं। सो बहुत बढ़िया कंपनी है गाइस। और अब हम इसके फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे करते हैं। उससे पहले हम आपको एक इसका बिजनेस डिवीजन बता देते हैं और आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इसका बिजनेस डिवीजन है। सबसे पहले इसका डेनिम में काम है, फैब्रिक का मैन्युफैक्चर करती है, वुलन फैब्रिक्स का है, निट फैब्रिक्स का है, गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करती है, अरविंद के खुद के ब्रांड्स है गाइस। और इसका मेगा मार्ट रिटेल शोरूम मॉल्स भी खुले हुए हैं एक तरीके से शोरूम्स, और अरविंद के खुद के स्टोर्स हैं और बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें हैं ये जो करती है। सो अगर हम बढ़ते हैं अगले तरफ तो हम इसके सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे और फंडामेंटल्स की 2 मिनट स्टडी करेंगे, उसके बाद जाके हम अपने चार्ट से पहुंचते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अरविंद का फंडामेंटल ओपन करके रखा हुआ है,
तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है गाइज, इसका मार्केट कैप है अराउंड 1,080 करोड़ का, 1,080 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और जो इसका अर्निंग पर शेयर है गाइज, वो 7.5 रुपये है। तो अगर 50 रुपये से नीचे का स्टॉक है तो अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया है, 7 रुपये। अगर हम पीई रेशियो की बात करते हैं तो पीई रेशियो इसका 5.5 है, पर अगर हम इंडस्ट्रियल पीई की बात करते हैं कि पूरी इंडस्ट्री का पीई क्या है, तो वो 20 है। तो 20 के मुकाबले अगर हम 5 की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। पर्टिकुलरली ये स्टॉक की अगर हम बुक वैल्यू के बारे में बात करें, तो यानी कि बुक वैल्यू और पर शेयर के हिसाब से अगर हम लेकर चले कि बैलेंस शीट में उसके पास जितने लाइबिलिटीज है, जितनी एसेट्स हैं, उन सबको मिला के कंपनी का जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, तो वो कंपनी बताती है कि भाई 108 रुपये तो इसका प्राइस होना चाहिए, और काम कितने में कर रहा है, 41 रुपीज में ये काम कर रहा है। हाँ गाइस, 40 रुपये का शेयर है, बुक वैल्यू के हिसाब से इसका प्राइस होना चाहिए 100 रुपये या 110 रुपये। अगर मैं सिर्फ 40 से 110 रुपये के लिए रुक जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं 40 रुपये में खरीदता हूँ, 110 रुपये में जो बुक वैल्यू दिखा रही है उसमें मैं निकल जाता हूँ, तो भी गाइस आपको 175% का रिटर्न ये देकर जा रहा है। हाँ गाइस, 175% का रिटर्न है 40 से, अगर ये इतना हो जाता है आप देख सकते हैं 2-3 गुना हो चुका होगा ये स्टॉक। डिविडेंड देखिए गाइस, 5% तक का तो ये डिविडेंड खुद भी दे रही है, 7.5% का ये रिटर्न देती है ईपीएस, और अगर हम बात करें तो डिविडेंड भी ये 5% का देती है, तो बहुत बढ़िया चीज है। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, मतलब मार्केट में, पूरी मार्केट में कंपनी ने कितने शेयर इश्यू कर रखे हैं, 25 करोड़ शेयर, 26 करोड़ शेयर इश्यू कर रखे हैं मार्केट ने अभी तक इस पूरी मार्केट पे। सो आप देख सकते हैं गाइस कि किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, बहुत बढ़िया। इसके फंडामेंटल से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेट सेल्स आ चुका है, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, और फंडामेंटल्स पे हम पूरा डीप में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आगे आपको अभी पता चल जाएगी अगली स्लाइड में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस वजह से मैंने अरविंद को चुना है फंडामेंटल आपको बताने के लिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3.5% का नेट चेंज आया है जून क्वार्टर से लेकर सितंबर क्वार्टर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1896 से 1962 करोड़ तक का हमने देखा है कि इसमें नेट सेल्स इंक्रीज हुई है। अगर हम बात करते हैं कि इसके प्रॉफिट बिफोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे, तो उस पे भी 26% का नेट चेंज इंक्रीज आया है। और अगर हम बात करते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम्स जो थे वो भी इंक्रीज हुए हैं 178.74% से। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देख सकते हैं एग्जैक्ट दुगना हो चुका है गाइस, 2 गुना हो चुका है इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, तो बहुत बढ़िया चीज है। क्वार्टरली रिजल्ट पे ही हल्के हल्के इंप्रूव हो रही है। हाँ, कुछ पहले इस क्वार्टर से पहले हम देखते थे कि थोड़ी बहुत उस पर प्रॉब्लम आती थी, पर अब ये क्वार्टर वाइज इंप्रूव करना शुरू हो गई है और बहुत बढ़िया तरीके से ये परफॉर्म कर रही है। सो गाइस, अगर हम इसकी अगली स्लाइड में बढ़ते हैं तो अगली स्लाइड पे मैं आपको इसका कैश फ्लो दिखाना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैश फ्लो, क्योंकि अगर गाइस नेट सेल्स आपका 10% बढ़ रहा है, नेट सेल्स आपका बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट भी अगर चलिए आपका बहुत ज्यादा है, पर अगर कंपनी के पास कैश इनफ्लो ही नहीं होगा तो कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ कंपनीज का देखिएगा, बहुत बढ़िया कंपनी के रिजल्ट्स होते होंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होती होगी, पर उनका जो कैश इनफ्लो होता होगा वो गाइस नेगेटिव होता होगा। अब आप देखिए 2015 में इसका कैश इन्फ्लो कितना था, 550 करोड़ का, फिर 2016 में 650 करोड़ का, और अगर हम इन 4 साल को, ये जो 4 साल 2015 से लेकर 2018 तक को भी ऐड कर देते हैं, सो गाइस इसने 2000 मार्च 19 में ही इतना सारा कैश इन्फ्लो जनरेट कर दिया था, 23,060 का इसने अपना करोड़ का कैश इन्फ्लो जनरेट करा था। अगर आपने प्रीवियस देखा होगा कि मार्केट कैप कितनी थी, 1,080 करोड़ की, और उसके पास कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 2300 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। हाँ गाइस, तो बहुत बढ़िया कंपनी है, कैश उसके पास बहुत है, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करी जा रही है, अपने रिटेल जो चेन्स है उसको इंक्रीज कर रही है। सो गाइस ये कंपनी बेस्ट है आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और मैं आपको खुद भी बताना चाहूंगा कि मैंने इस पर अपनी एवरेजिंग स्टार्ट कर दी है और मैंने इस पर अपनी बाय पोजिशन स्टार्ट कर दी है, समथिंग अराउंड मैं अभी कुछ शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ इसके, और तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखती है। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना, क्योंकि कंपनी के इसके बारे में हमें अंदर की चीजें पता चलती है। आप देख सकते हैं कि 44% शेयर होल्डिंग जो है पैटर्न, उसमें से 44% तो प्रोमोटर ही शेयर होल्ड करते हैं, 44% शेयर सिर्फ प्रोमोटर होल्ड करते हैं,
और अगर हम इन सबको हटा देते कि 20% FIIs होल्ड करते हैं गाइस, 20% FIIs बहुत ज्यादा बात होती है ये, 10% म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं, और अगर हम रेस्ट हटा दे तो टोटल मिला के अगर हम रेस्ट को गिने, सिर्फ प्रोमोटर 44 करती है और रेस्ट कितने करते हैं, 54%, 55%, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से ही हमारा काम चल रहा है। अब आपको यहाँ पर एक बात खटक रही होगी कि प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग तो 9% है, 9.5-10% है, यानी कि प्रोमोटर के पास 44% है पर उसमें से 10% तो उन्होंने गिरवी रख रखे शेयर। तो भाई गिरवी रखे हुए शेयर तो, गिरवी रखे हुए कंपनी के शेयर तो कंपनी को ही नहीं लेना चाहेगा, हम क्यों इसमें लॉन्ग टर्म पैसा बनाएंगे कि कंपनी प्रमोटर चाहेगी कि हम तो और इसमें शेयर गिरवी रख देते हैं। हाँ गाइस लोग यही सोचते हैं, मैंने भी यही सोचा था, पर जब 28 तारीख को गाइस, 28 तारीख को एक न्यूज आई है और उस न्यूज में ये आया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली लाइन आप पढ़िए, अरविंद प्रमोटर AML एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट रिलीज्ड, आप देख सकते हैं रिलीज्ड प्लेज ऑन 63 लाख शेयर्स ऑन December 28, यानी कि 28 दिसंबर को 63 लाख शेयर इन लोगों ने छुड़वा लिए, निकलवा लिए। अब हमें क्या पता कि जो 10% था उसमें कितने शेयर उन लोगों ने गिरवी रखे थे, अब उसकी स्टडी करेंगे और आपको पता चल जाएगा गाइस कि ये कंपनी क्यों बेस्ट है और फ्यूचर पे इन लोगों को कोई स्कोप लग रहा होगा प्रमोटर को कि तभी इन लोगों ने ये शेयर बाय करेंगे, उन लोगों ने सोचा होगा आगे में फ्यूचर कंपनी अच्छा करेगी तो प्राइस राइज करेगा तो हम इसके शेयर छुड़वा लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25,088 करोड़ मार्केट में शेयर है जिसमें से 44% प्रमोटर के पास है, अगर हम 25 करोड़ का अगर हम 44% निकालते हैं तो उसमें से 11 करोड़ निकल के आता है गाइस। हाँ तो उसमें से प्लेज कितने कर रखे हैं, 9.65%, अगर हम 11 करोड़ में से अगर हम 9.65% निकालना चाहें जो गिरवी रख रखे हैं तो 1.09 करोड़ रुपए शेयर गिरवी कर रखे हैं, यानी कि 11 करोड़ शेयर तो प्रमोटर के पास हैं जिसमें से उन लोगों ने 1.09 करोड़ शेयर गिरवी रख रखे हैं, प्लेज कर रखे हैं गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लेज कर रखे हैं। अब उन्होंने छुड़वाए कितने, 63 लाख, अगर हम 1.09 करोड़ में से 63 लाख को माइनस करते हैं तो कितना निकलता है, 46 लाख, यानी कि 1 करोड़ शेयर गिरवी थे जिसको हटा के अब सिर्फ 46 लाख शेयर गिरवी रखे हुए हैं, यानी कि जो 9.5% 10% शेयर प्लेज थे अब वो घट के कितने हो गए, सिर्फ 4%। तो यानी कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है तभी कंपनी के प्रमोटर्स पे भरोसा जागा, उन लोगों ने उनके शेयर्स रिलीज करवा लिए। ये गाइस इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये डेप्थ में अगर आप जाओगे तभी आपको फायदा मिलेगा, अगर आप छोटी छोटी चीजें देखते रहोगे तो वो आपको फायदा ज्यादा नहीं दे पाएगी। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स पे जाके स्टडी करेंगे, दो इंपॉर्टेंट पैटर्न बने हैं और वो दो इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म टारगेट आप देखकर चौंक जाएंगे गाइस। ये मेरी पर्सनल होल्डिंग है गाइस, ये इतने अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई नहीं आपको ऐसे प्लेज शेयर जो गिरवी रखे हुए शेयर ऐसे छुड़वा के पूरा आपको डाटा सिखाएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो हमने वीडियो बनाई है आपको कैसी लगी है, और किसी के पास शेयर है इसके होल्ड है तो हमें बताइए कितने शेयर आप होल्ड करते हो, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है, हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना चार्ट ओपन करके रख दिया है और आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो चार्ट मैं लेकर आया हूँ वो दो पैटर्न एक तरीके से हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो ये है सबसे पहला पैटर्न जिसे हम कहते हैं बुलिश क्रैप पैटर्न। हाँ गाइस आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मैं गाइस आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि कौन से पैटर्न्स बनते हैं और कौन से पैटर्न्स मैं आप लोगों को अपने इसी चैनल में सिखा चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रैप पैटर्न बना और यहाँ पर आप देखिएगा कि अरविंद का वीकली चार्ट ओपन है, वीकली चार्ट। तो अगर हम इसके टारगेट और स्टॉप लॉस को फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर पहले से ही बना रखा है हमने, आप जाके देख सकते हैं गाइस कि इस लेवल पे हमने बाय पोजीशन रिकमेंड करी थी, हमने मैंने एक तरीके से एवरेजिंग स्टार्ट करी थी 34 रुपीज समथिंग पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अभी ट्रेड कर रहा है वो 41-42 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस लेवल पे बाय करते हैं 41-42 पे बाय करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस मैं लगा रहा हूँ गाइज इसका कम से कम 17 रुपये में। इसका जो स्टॉप लॉस है, एक सेकेंड में इसको ऊपर कर देता हूँ, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो गाइज 17 रुपये में होगा और इसका जो टारगेट है
वो गाइस सबसे पहला टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो 618% रिट्रेसमेंट लेवल होता है। हाँ गाइस, यानी कि इसकी जो अपसाइड है, इस टारगेट का जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल जाने का है यहाँ तक 618, और अगर आप देखेंगे तो 200% रिटर्न है। यानी कि अगर ये इस लेवल से 40 के लेवल से 618% रिट्रेसमेंट लेवल तक पहुंच जाता है तो वो सीधा 105 के लेवल तक पहुंच जाएगा, जो कि वो बुक वैल्यू थी जो कि एसेट लाइबिलिटीज को मिला के पता लगती थी कि कंपनी की एक्चुअल शेयर प्राइस 105 रुपये, 108 रुपये है। और टारगेट, ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न भी ही हमें वही बता रहा है कि वहां तक ये जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न और फंडामेंटल, टेक्निकल और फंडामेंटल किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरे पैटर्न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा पैटर्न है बुलिश साइफर पैटर्न। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं अपने चैनल पे, बहुत बार बता चुके हैं कि कौन सा पैटर्न होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट इसका लो भी वही लो है और इसी तरीके से ये काम कर रहा है। ये देखिए, हमने इस लेवल से पैटर्न की शुरुआत करी थी और इस लेवल पे आप देख सकते थे कि वी मंथली चार्ट है ये गाइस, मंथली चार्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी बार मंथली चार्ट पे इसने सपोर्ट लिया है, तो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये 17 का लेवल जो हम आपको बता रहे हैं। सो गाइस, 17 रुपये का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसका अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो इसका भी एग्जैक्ट 618% रिट्रेसमेंट लेवल होगा। और अगर हम इस पैटर्न की बात करते हैं तो ये पैटर्न का जो टारगेट होता है, वो टारगेट गाइस 618 तो होता ही होता है, प्लस इसका टारगेट होता है सी का लेवल, यानी कि जहां से इसने अपनी गिरावट शुरू करी थी। और उसकी गिरावट की अगर हम बात करते हैं तो वो 120 रुपये ऊपर है, यानी कि 350% का रिटर्न। मैंने आपको तो मिनिमम 175 की गारंटी दी थी, पर गाइस ये तो टारगेट पैटर्न हमें 350% तक का रिटर्न भी देकर जा सकती है कुछ सालों में। अभी भी आपको हम बता रहे हैं, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट है कोई बात नहीं, 10,000 इन्वेस्टमेंट है तो 5,000 लगाइए, अगले महीने 5,000 लगाइए, अगले महीने 5,000 लगाइए, लगाइए, नीचे डिप मिलता है इसे बाय करिए। कंपनी बेटर कर रही है और कंपनी की हर बार, हर 3 महीने में, हर 5 महीने में एक बार फंडामेंटल स्टडी करिए, कितने प्लेज शेयर हैं, कितने गिरवी रखे हुए हैं और कंपनी का क्या रिटर्न है, क्या डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही है। कंपनी की स्टडी करेंगे तो ही आपको बेनिफिट रहेगा। ये नहीं कि आप कंपनी शेयर आपने खरीद लिया और आप रख के भूल जाइए, कंपनी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है कंपनी के अंदर और आपने होल्ड करके रखा हुआ है। सो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको फंडामेंटल की भी पूरी नॉलेज मिलेगी, स्पेसिफिक फंडामेंटल की नॉलेज मिलेगी, जो कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, प्लस टेक्निकल के तो हम गाइस आप लोगों को हमेशा बताते ही और परफेक्टली जाता है। अगर हम बात करें तो आप पिछली वीडियो भी हमारी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको HOEC स्टॉक के बारे में रिकमेंड करा था 5 दिन पहले, और आपको बोला था 83 रुपीज में बाय कर लो, वो जाके सीधा 100 रुपए छू चुका है। 4 दिन के अंदर अंदर 20 से 25% तक का रिटर्न हमें दे चुका है। इसी पैट यही पैटर्न बना था गाइस, सीधा साइफर पैटर्न बना था। जाके स्टडी तो करिए हमारे चैनल को, आपको बहुत सी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वीडियो कैसी लगी आपको। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।